बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हैप्पी होंगे। आज आप वेलकम करती हूँ आप लोगों को आप लोगों के अपने चैनल में किचन व्लॉग में। आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ मैं सैंडविच, क्रीमी सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच। सैंडविच कैसे हम घर में तैयार कर सकते हैं, आसानी से आसान ट्रिक है। 5 से 6 मिनट लगेंगे, हम सैंडविच तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ते में भी हम बना सकते हैं, हेल्दी सैंडविच होगा। तो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं, 3 अदद आलू। इसको मैंने बॉईल कर लिया पहले से। आलू को हम मैश कर लेंगे पहले। आलू को मैश कर लिया हमने अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे बंद गोभी, 3 से 4 टेबलस्पून डाल देंगे बंद गोभी के। प्याज आएगा 1 टेबलस्पून इसमें। ग्रीन कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, ये 1 टेबलस्पून है। इसमें हम टमाटर डाल देंगे, 1 अदर टमाटर है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 1/4 टेबलस्पून नमक जाएगा। 1/4 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर। और डालेंगे इसमें अब हम खीरा, खीरे के कुछ मैंने ले लिए हैं 2 टेबलस्पून खीरे के, इस तरह से स्लाइसेस में काट लिए। धनिया 1 टेबलस्पून। और अब इसमें हम डालेंगे मायोनीज, मायोनीज आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, हाफ कप जाएगा मायोनीज का इसमें। और अच्छे से अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक थिक सा हमारे पास ये बन गया है सैंडविच के लिए। ये हमारी जो डो है, सॉरी, ये लेयर तैयार हो गई है। अब हम सैंडविच लेंगे, सैंडविच के ये स्लाइसेस ले लिए हैं। किनारों को हम इसके किनारे रिमूव कर देंगे। ये ब्राउन वाली साइड इसका पोर्शन मूव करेंगे और ये वाइट पोर्शन रहने देंगे। क्रीमी सैंडविच हमने बनाना है, बहुत ही ये टेस्टी बनता है, यम्मी बनता है। आप लोग इसको डेली घर में बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये ब्रेड के स्लाइसेस के जो किनारे थे उनको मैंने रिमूव कर लिया है और ये वाइट पोर्शन हमने ले लिया है। ब्रेड आप लोग कहीं से भी बेकरी से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे, जो हमने लेयर तैयार की थी ये वाली, छुरी की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आप लोग लगा सकते हैं। 1 थिक लेयर लगाएंगे हम। 1 थिक लेयर लगा दी है मैंने। और इसके ऊपर आप रखेंगे सैंडविच, एक और ब्रेड का पीस, और मिड में से हम इसको काट लेंगे, प्रेस कर लेंगे इसको और दरमियान से इसको कट कर लेंगे। ये देखें, इसको मैं और थोड़े से छोटे पीसेस बनाऊंगी, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। ये देखें, सैंडविच हमारे तैयार हो गए हैं। इसको मैंने प्लेट में रख लिया है और साथ में केचप रख दी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रमज़ान में भी आप लोग इसको बना के सर्व कर सकते हैं, अफ्तार में भी इसको आप लोग, और अगर मेहमान घर में आ गए हैं तो आप लोग फिर भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।